Hello Nayantara, how are you? Hello, sir. All well. Today we'll discuss about the fashion forecast. Now today I will talk with Ms. Nayantara Singh, Assistant Professor, NIIFT Srinagar. Has 8 year experience in teaching industrial field. Her name also was published in newspaper of her contribution in fashion industry in Gujarat. Miss Nayantara Singh is really hardworking, intelligent, and beautiful. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन. सर, मैंने आपका काफी वीडियो देखा है जो आप यूट्यूब पे अपलोड करते हैं. काफी अच्छी वीडियोज है सर, एंड आई लाइक द आइडिया जिसमें कि आप इंटरैक्टिव वीडियोज करते हैं. क्योंकि अगर हम जनरली देखें यूट्यूब पे, तो जो भी वीडियोज होते हैं उसमें बिल्कुल वन साइडेड बोलते हैं, तो व्यूअर्स उसमें कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. और अगर ये इंटरैक्टिव हो तो काफी व्यूअर्स उसमें, या फिर जो स्टूडेंट्स है वो काफी उसमें कनेक्ट कर सकते हैं. तो आइडिया यही है कि मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो. काफी इंफॉर्मेटिव है आपकी वीडियोस, और टॉपिक्स भी काफी अच्छे हैं आपकी वीडियोस के. थैंक यू फॉर कमेंट्स. सो वी स्टार्ट विद अ टॉपिक. टुडे वी वांट टू लर्न अबाउट द व्हाट इज फैशन एंड फोरकास्टिंग. व्हाट इज द The fashion forecasting. Yes, sir. To explain fashion forecasting, I would first like to explain about what is fashion. क्योंकि सर क्या होता है ना कि जैसे हमारे कुछ जैसे अगर आप इसको YouTube पे अगर अपलोड कर रहे हैं तो काफी व्यूअर्स होंगे जो कि इसको देखेंगे. कुछ होंगे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के होंगे, या फिर कुछ होंगे जो जिन्होंने 12th अभी ट्वेल्थ पास आउट किया होगा, उनको फैशन में करियर बनाना होगा अपना. तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि हम उनको पहले एक्सप्लेन कर दें कि ये फैशन क्या होता है. क्योंकि जब तक कोई फैशन को नहीं समझेगा वो फोरकास्टिंग नहीं समझ पाएगा. तो इफ आई टॉक अबाउट फैशन, फैशन इज समथिंग विच इज एक्सेप्टेड बाय मास एट अ पर्टिकुलर टाइम. तो क्या होता है ना कि फैशन आपका कुछ ऐसा चीज है जिसको कि जो बहुत ज्यादा फेमस होती है किसी एक टाइम पे, और उसको बहुत सारे लोग एक साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं. जैसे हम बात करते हैं ना सर, अगर कि जैसे हम बोलते हैं कभी कभी कि किसी एक बंदे को हम, या फिर किसी एक इंसान को हम पॉइंट आउट करके बोलते हैं कि अरे उसका फैशन सेंस बहुत अच्छा है, या फिर वो बहुत फैशनेबल है वो, या उसने बहुत फैशन का, कुछ शायद इंटरनेट का कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा. तो वही है सर, हम बात करते हैं कि कोई हम किसी को पॉइंट आउट करके बोलते हैं कि वो बहुत फैशनेबल है, अगर उसने कुछ भी अगर बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट कर लिया तो. जबकि वो चीज जो है वो बिल्कुल गलत है जो कि हम बोलते हैं. किसी एक इंडिविजुअल का जो होता है वो उसका अपना पर्टिकुलर स्टाइल होता है, वो फैशन नहीं है. फैशन वो है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में हर कोई उसको एक्सेप्ट कर रहा है. जैसे कि अगर हम 70s की बात करें तो यू नो बूट कट्स वेर देयर, या हम 60s की बात करें तो मिनी स्कर्ट्स लोग पहन रहे थे, तो मिनी स्कर्ट वॉज द फैशन ऑफ दैट एरा. वो एक इंडिविजुअल का नहीं था, बहुत सारे लोग उसको एक टाइम पे एक्सेप्ट कर रहे थे. तो वही है, अगर हम फैशन की बात करें तो वो एक ऐसी चीज है जो कि बहुत डायनामिक है. फैशन इज समथिंग विच चेंजेस इटसेल्फ, वो हमेशा चेंज होता रहता है. जैसे कि अगर हम बात करें क्लासिक फैशन की भी, तो जैसे होता है ना कुछ लोग इसमें ये बोल सकते हैं कि हमने तो देखा है कि क्लासिक अपने आप को रिपीट करता है. कोई फैशन है जो कि पहले 20 साल पहले वही था और अभी वापस से वही सेम चीज आई है. लेकिन मैं उसमें अपना एक पॉइंट एड ऑन करना चाहूंगी कि कभी भी जब भी फैशन अपने आप को रिपीट करता है तो वो सेम तरीके से नहीं रिपीट करता है. आप देखोगे, आप प्लाजोज भी पहले भी थे, प्लाजोज यू नो 70s में भी प्लाजोज लोग पहनते थे, आज भी लोग प्लाजोज पहन रहे हैं, लेकिन देर इज सम डिफरेंस इन दैट. यू नो आज जो हम प्लाजोज पहन रहे हैं उसमें जो है उसके विड्थ में, या फिर उसके उसको पेयर अप करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो 70s का था उसमें. तो लाइकवाइज फैशन इज नेवर सेम, I would say that. Now, to add on with that, what is forecasting? What is fashion forecasting? Forecasting is, you know, nothing more than predicting the future, right? अगर मैं इसको बहुत ही layman language में अगर समझाऊं viewers को, जिनको कि जो बिल्कुल नए हैं अभी, जिनको forecasting के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मैं उनको एक example के साथ समझाना चाहूंगी कि हम जब कभी भी ना 12th का exam देते हैं, उसके बाद फिर हमको पता नहीं होता है क्या career choose करना है. बिकॉज यू नो हम लोग इंडियन मार्केट, वी आर ऑलवेज वेरी कंफ्यूज. तो हमारे क्या कहते हैं ना, हमारे यहाँ ज्योतिष के पास जाने की या पंडित के पास जाने का कल्चर होता है. यू नो पेरेंट्स आपको लेकर के जाते हैं ज्योतिष के पास में, और आपकी कुंडली लेके जाते हैं वो, या फिर आप जाते हो पंडित के पास, वो आपको पूछते हैं कि आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है. आप उनको कुछ डिटेल्स बताते हो जिसके अकॉर्डिंग वो आपका यू नो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं. और उसका क्या फायदा होता है कि आप अगर उस कैरियर को चूज करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसमें ज्यादा सक्सेसफुल होते हो.
लाइकवाइज अगर हम फैशन के टर्म्स में बात करें तो देर आर सर्टेन क्राइटेरिया, जैसे कुछ इकोनॉमिकल चीजें होती हैं या फिर कुछ सोशल चेंजेस हो रहे हैं या फिर कुछ पॉलिटिकल चेंज हो रहा है या फिर कुछ आर्टिस्टिक वे में अगर कुछ चेंज हो रहा है या आर्ट में कुछ चेंज हो रहा है तो उन सब का इम्पैक्ट होता है फैशन के ऊपर में, जिसकी वजह से फ्यूचर में जो है देर विल बी सम चेंज इन द फैशन. तो सीइंग ऑल दीज क्राइटेरियाज, इन सब चीजों को देखने के बाद में देन हम बताते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है. तो ये जो कुछ दो चार चीजें हैं जिनके ऊपर हम ध्यान देकर के फिर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, दिस इज नोन एज फोरकास्टिंग. और जो हम फोरकास्टिंग करते हैं वो जरूरी नहीं है कि यू नो हम फैशन में सिर्फ कपड़े के ऊपर ही फोरकास्टिंग करते हैं, हम कलर फोरकास्टिंग करते हैं, हम फैब्रिक फोरकास्टिंग करते हैं, हम प्रिंट की फोरकास्टिंग करते हैं, ग्राफिक्स की फोरकास्टिंग करते हैं, हम फुटवेयर की फोरकास्टिंग करते हैं, हम ज्वेलरीज की फोरकास्टिंग करते हैं, हम इवन मेकअप की भी फोरकास्टिंग करते हैं और हेयर स्टाइल की भी फोरकास्टिंग होती है. बिकॉज यू नो हम कभी भी जब डिजाइन करते हैं तो वो डिजाइन कभी भी अकेला एक डिजाइन नहीं होता है. डिजाइन के साथ, एक गारमेंट के डिजाइन के साथ हमारा फुटवेयर भी होता है, उसके साथ हमारे एक्सेसरीज भी होते हैं, यू नो हैंडबैग्स भी होते हैं हमारे, यू नो आप उसका फैशन शो आप कर रहे हो तो मेकअप भी उसके साथ कंबाइन होता है. तो लाइकवाइज इट्स अ वेरी वास्ट एंड वेग फील्ड. तो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए फैशन इज इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ चेंज ओनली, अदरवाइज फैशन भी बोरिंग होता है. और इट्स फैशन इज आल्सो इट्स जैसे आपने सही बोला कि फैशन चेंज होता है लेकिन समथिंग इज डिफरेंट. लाइक अगर कोई पुराना ब्लू कलर है जो फिर से आ रहा है तो उसके टेंस और सेट्स चेंज होते हैं. और फैशन इज ऑलवेज इज टू काइंड, लॉन्ग टर्म फैशन एंड शॉर्ट टर्म फैशन. शॉर्ट टर्म फैशन विद इन 6 मंथ के अंदर हो गया तो उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं, और उसके ऊपर हो तो उसको लॉन्ग टर्म फोरकास्ट बोलते हैं. ये लॉन्ग टर्म में भी आगे कितना भी जा सकते हैं, मतलब 25 years 50 years, अब जितना आगे के लिए जैसे टेक्नोलॉजी आगे कितना आने वाली है, हम लोग देख ही रहे टेक्नोलॉजी कितना चेंज हो रहा है, तो उसी तरह फैशन भी उसके हिसाब से कितना चेंज होगा. और शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग को समझने के लिए वेदर फोरकास्ट बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि आज पता चलता है कल बारिश होने वाला है और बारिश हो जाती है, तो इस शॉर्ट टर्म फोरकास्ट. तो उस तरह से आपने सही बात बोला, भविष्यवाणी काइंड बोल सकते हैं इसको, इट्स अ प्रिडिक्शन बट इट्स बेस्ड ऑन द एक्चुअल फैक्ट्स एंड डेटा. तो एग्जैक्टली तो जैसे लोग ऐसे ही, मतलब बहुत सारे लोग जो नॉर्मल अंधविश्वास में फोरकास्ट करते हैं वैसे फोरकास्ट नहीं है. इसमें हम लोग डेटा के बेस पे और काफी सारा रिसर्च होता है जिसमें ना कि फैशन डिजाइनर इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत सारे मतलब कैटेगरी के टेक्नोलॉजिकल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, और मतलब डिफरेंट फील्ड से लोग, मतलब फैशन डिजाइनर इज देयर, विजुअल मर्चेंडाइजर इज देयर, मार्केटिंग मैनेजर, सीईओ एंड टॉप मोस्ट कंपनी के जितने भी लोग होते हैं उनको मिला के ऐसी एजेंसी बनती है जहाँ पे हम लोग फैशन फोरकास्टिंग एजेंसी के लिए इट्स अ काफी नॉलेजेबल पीपल कम टुगेदर. हम लोग जानना चाहेंगे आपसे कि फैशन फोरकास्टिंग तो कुछ इस तरह से है, और उसके बाद अगर फैशन फोरकास्टिंग समझ गए कि क्या है तो वो फैशन फोरकास्टिंग हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे काम करता है, और व्हाई वी नीड फैशन फोरकास्टिंग and how it's useful in our life, so iske upar thoda aap batayenge to acha rahega. Yes, it's a very nice question. I would like to add on that. ये एक काफी, you know, मेरे भी क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं तो वो काफी बार पूछते हैं कि मैम इसकी जरूरत क्या है हमको फोरकास्टिंग का, हम क्यों फोरकास्टिंग करते हैं. तो यू नो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के लिए. मतलब सबसे पहले तो हमें ये चीज जानना है कि फैशन में बिना फोरकास्टिंग के देयर इज नो फैशन. यू नो फैशन का कोई मतलब ही नहीं है अगर आप फोरकास्टिंग नहीं कर रहे हो आज के टर्म्स में. Now why we need forecasting is because it helps us to predict the future. ठीक है, तो अभी हमारा जो, अगर हम फ्यूचर को पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो डायरेक्शन है वो फिक्स हो जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में वर्क करना है. राइट, अभी क्या होता है, सीजन फिक्स कर लिया हमने, और फिर कोई सीजन फिक्स कर लिया उसके बाद मंथ भी फिक्स कर लेते हैं समटाइम्स. सम कंपनी जनरली इंडिया में 2 सीजन होते हैं ना, समर और विंटर.
लेकिन जनरली टू होते हैं, फोर भी होते हैं, स्प्रिंग समर और फिर ऑटम विंटर. लेकिन इंडिया के बाहर बहुत सारी कंपनी ऐसी भी होती है जहाँ पे ए टू जेड सीजन यूज करते हैं फॉर S3 और सम अदर ब्रांड्स. इट टेक्स मोर देन फोर सीजन. हाँ सर, तो बेसिकली अगर हम बात करें कि फोरकास्टिंग की जरूरत क्या है, तो वो हमारा क्या है कि हमारा डायरेक्शन फिक्स करता है, और सेकेंडली वो हमारे बिजनेस के डिसीजन लेने में हमको काफी हेल्प करता है कि यू नो हमें क्या डिसीजन लेना है, क्या नेक्स्ट होने वाला है. उस हिसाब से कोई भी एक यू नो एक जो फैशन डिजाइनर है या फिर कोई भी जो एक रिटेल शॉप वाला है, वो अपना डिसीजन ले सकता है कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है. एंड देन ऑल्सो जो हमारा सेल्स है उसके भी ऊपर फोरकास्टिंग का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है. अगर आपका फोरकास्टिंग सही है, अगर आपने सही तरीके से फोरकास्टिंग को फॉलो किया है, तो आपके जो जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत इजीली सेल आउट हो जाएंगे. आपका वेयर हाउसिंग का कॉस्ट कम हो जाएगा, यू नो आपको चीजें सेल में नहीं लगानी पड़ेगी, बहुत कम चीजें सेल में लगानी पड़ेगी, और आपका घाटा भी कम होगा. तो प्रॉफिट के लिए भी फोरकास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, जैसे किसी बड़ी कंपनी का हो तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है. जैसे हम लोग H&M ले लिए, जारा ले लिए, एंड टेलर ले लिए, और बाहर के जो भी अच्छे ब्रांड है उसमें से कोई भी ब्रांड अगर यूनाइटेड कलर ऑफ बेंटन ले लिए, S3 ले लिए, तो इनके ह्यूज क्वांटिटीज में बनते हैं गारमेंट्स. गैप हो गया तो ये ह्यूज क्वांटिटी मतलब बिलियंस हो गया, बिलियंस में गारमेंट बनते हैं और ऑर्डर आते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड वाइज सेम गारमेंट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. तो हमें लगता है कि अगर वो गलत गारमेंट बन गया तो इस पैसे कितने नुकसान होंगे, इसका कोई इमेजिनेशन नहीं है कितनी कंपनी लॉस में चली जाएगी. ये टोटली गारमेंट इंडस्ट्री को इकोनॉमिकली वीक कर सकती है. इसलिए मुझे लगता है इसलिए भी फैशन प्रोडक्ट very important in our life according to business point of view. Yes sir, I would like to add on to that. मतलब जैसे ना जो हमारे अभी नए पास आउट स्टूडेंट्स होंगे, उनको ये पता नहीं होता है कि इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है. उनको दिखता है कि उनको स्टोर में एक रेड कलर का शर्ट दिख रहा है तो वो वही हो गया, खत्म हो गया. बट दुनिया वहां नहीं खत्म हो रही है. अगर आप सिर्फ एक जारा को देख रहे हो, अगर जारा ने एक रेड कलर का शर्ट बनाया है, तो वो सिर्फ एक रेड कलर के शर्ट को एक स्टोर में वो कितने साइजेस में वो रखती है, एटलीस्ट वो 4-5 साइजेस में उसको रखती है. देन सेम साइज का वो ऐसा तो नहीं करेगी कि सिर्फ एक पीस रखेगी, वो उसके कम से कम 3-4 पीसेस रखती है, यू नो कि 3-4 कस्टमर्स आए तो उनको वो चीज अवेलेबल हो. देन एक अगर हम सपोज अगर दिल्ली की बात करें, तो ज़ारा का सिर्फ दिल्ली में ही उसके 3-4 आउटलेट्स होंगे, यू नो. तो आप सोचो उस तरीके से अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, तो एक रेड शर्ट ऑल ओवर वर्ल्ड कितना ज्यादा होगा ज़ारा जो उसको प्रोडक्शन कर रही होगी. तो यू नो दे आर मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ पीसेस, एंड अब उस 1000 पीस शर्ट के बनाने के लिए हमें यू नो वी नीड लैक्स ऑफ मीटर्स ऑफ फैब्रिक, राइट. तो अभी क्या है कि अगर सपोज ज़ारा ने आज इस सीजन में रेड कलर का शर्ट लॉन्च किया, और हो सकता है कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है या कंज्यूमर का जो लाइकिंग है या कंज्यूमर का जो टेस्ट है, वो इस बार ब्लू कलर के लिए है, तो ज़ारा का तो पूरा रेड कलर का जो फैब्रिक होगा वो फ्लॉप हो जाएगा, वो पूरा उसका प्रोडक्शन यू नो वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा. तो उस चीज को समझने के लिए हमें फोरकास्टिंग को समझना बहुत जरूरी है. तो अगर फोरकास्टिंग को देख करके वर्क करेगी, तो कभी भी यू नो देर आर लेस चांसेस. ऐसा तो नहीं है कि कोई भी फोरकास्टिंग 100% सही होगा. देर आर चांसेस कि वो यू नो फ्लॉप हो जाए, बट या देर आर 80% चांसेस कि वो हमेशा सही डायरेक्शन में जाएगा. बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ रिसर्च इज देयर. जैसे एक शर्ट बनाने की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या है, एक शर्ट बनाने के पीछे वो लोग पहले स्टोर में रख के उसका डेटा एनालिसिस भी करते हैं कि ये कितने कस्टमर लाइक कर रहे हैं, नहीं लाइक कर रहे हैं. तो सो मेनी प्रोसेस आर देयर, लेकिन आम लोगों को पता नहीं होता कि कितना रिसर्च होता है. एग्जैक्टली जो हम एक फोरकास्ट देखते हैं, जैसे अगर हम WGSN की बात करें या हम प्रोमो स्टील की बात करें, तो यू नो हमारा जो फोरकास्ट जो हम देखते हैं, जो हमको एक 3-4 स्टोरीज दिखती है, वो 3-4 स्टोरीज, ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडमली थीम ले लिया उसके ऊपर वर्क कर लिया. एक्चुअली उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे यू नो there are number of people you know working together to develop a forecast. उसमें क्या होता है कि आपके साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आपके यू नो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में से भी कोई बंदा होता है उसमें, जो कि आपको बताते हैं कि पॉलिटिकल क्या चेंजेस होने वाले हैं फ्यूचर में. देन देर आर डिफरेंट पीपल्स, यू नो टेक्सटाइल डिजाइनर्स होते हैं उसमें, फैशन डिजाइनर्स होते हैं, देन योर फुटवेयर डिजाइनर्स आर देयर, जो कि सब सारे एक साथ मिल करके देन दे विजिट डिफरेंट फैशन शोज, वो यू नो डिफरेंट ब्लॉग्स को देखते हैं, जो फेमस ब्लॉग्स हैं उनको, सेलिब्रिटीज को वो लोग फॉलो करते हैं. इनफैक्ट वी आर नॉट इवन अवेयर कि वो हमारे बाइंग पैटर्न्स को भी वो फॉलो करते हैं. जैसे अगर आप फेसबुक पे जाके अगर आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप क्लिक कर रहे हो,
तो आपको नहीं पता है कि वो आपका इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली जो यू नो मार्केटर्स है उनके पास सेल किया जा रहा है कि यू नो इस बंदे ने इतनी बार इस प्रोडक्ट के लिए सेल किया है या इतने नंबर ऑफ पीपल ने इस टाइम पे इतनी बार इस प्रोडक्ट के लिए सेल किया, दैट मीन्स दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट हिट. तो दिस इज वॉट वी कॉल यू नो कंज्यूमर बिहेवियर हम बोलते हैं या बाइंग बिहेवियर हम बोलते हैं. इन सारी बातों से लगता है कि नयनतारा दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर डिजाइनर मार्केटिंग पीपल्स एंड डिजिटल मर्चेंडाइजर आल्सो. सो मेनी पीपल्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस फील्ड, तो काफी सारे लोगों को इससे काफी फायदा होता है, इसलिए हमें फैशन फोरकास्टिंग यूज करना चाहिए. और नेक्स्ट एक और मेरा सवाल था कि इम्पोर्टेंस ऑफ फैशन फोरकास्टिंग इन फैशन बिजनेस और रिटेल बिजनेस, बिजनेस में हमें किस तरह से हेल्प करते हैं. यस सर, इसका तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब कोई भी बिजनेसमैन जो है वो बिना यू नो अगर हम सर मैं अगेन इसको कनेक्ट करूंगी, जैसे हम कभी भी कोई स्टोर खोलते तो हम वास्तु शास्त्र के पास जाते हैं, यू नो वो हमको बताता है कि कैसे किस डायरेक्शन में क्या रखना है, तो हमें इस हिसाब से हमें इजी होता है आगे वर्कआउट करने के लिए. लाइक वाइज अगर हम बात करें फैशन के टर्म्स में, तो हमारा फैशन का जो वास्तु शास्त्र है दैट इज फोरकास्टिंग. जो हमारे फैशन के पंडित हैं दे आर द फोरकास्टर्स, यू नो वो आपको बताते हैं क्या करना है कैसे करना है एंड देन अकॉर्डिंगली वी वर्क. तो इससे क्या फायदा होता है ना कि जैसे अगर सपोज अगर कोई एक रिटेल स्टोर है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एक ज़ारा का, तो लाइकवाइज जो डिफरेंट रिटेल स्टोर्स हैं उनको क्या है, उनको मास प्रोडक्शन करना होता है, उनको बल्क में फैब्रिक्स बनाने होते हैं, बल्क में डिजाइन बनाना होता है. तो अगर वो यू नो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो देयर आर चांसेस कि जो उनका प्रोडक्ट है वो सेल आउट ना हो, यू नो उनको बहुत ज्यादा लॉस हो और विच विल लीड टू यू नो फाइनली जो उनका शॉप है वो बंद करना पड़ेगा उनको अगर वो नहीं ढंग से इस चीज के ऊपर ध्यान देंगे. तो यू नो दैट्स व्हाई बेटर सेल के लिए और ज्यादा कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए वी नीड फोरकास्टिंग. और ये भी है कि जैसे मैं कोई शर्ट पहनना हो तो वो शर्ट 2 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया गया हो और वो डिजाइन 2 साल पहले ही दिमाग में हो लोगों के, जैसे डिजाइनर अभी जो बनाने 2 साल के बाद ही आएगा मार्केट. तो दिस इज द रिसर्च एंड द डाटा इज रियली ऑसम इन द इंडस्ट्री. एंड सर आपने जो बोला ये बहुत ही अच्छी पॉइंट बोली है, जैसे कि मुझे मैं इस पे थोड़ा और इसको एलाबोरेट करना चाहूंगी. जैसे कि अगर जैसे अभी आपका हम शर्ट देखें, जो आपने रेड कलर का शर्ट पहना है और मुझे अभी रेड जैसा दिख रहा है, तो सपोज इफ इट्स रेड कलर शर्ट, तो इस रेड कलर के शर्ट को पूरा फिनिश करने के लिए एटलीस्ट एक यू नो मैन्युफैक्चरर को दे नीड 1 ईयर टाइम. पता है आपको 1 साल का उनको पूरा टाइम चाहिए होता है एक शर्ट को फिनिश करने के लिए. क्यों? क्योंकि वो जो है वो इस एक शर्ट को बनाने के लिए उसको दे नीड लैक्स ऑफ मीटर्स ऑफ फैब्रिक, जिसके लिए उनको ऑर्डर देना होगा वो प्रोडक्शन के लिए. देन दे नीड रेड कलर डाई, वो कहाँ डाई कराना है दे नीड दैट ऑल्सो. कौन सा टिन टोन शेड आने वाला है रेड का, फॉर दैट ऑल्सो वी नीड फोरकास्टिंग. देन उसके बाद उसमें अगर रेड कलर का शर्ट पे अगर आपके 10 रेड कलर के बटन लग रहे हैं तो वो डिफरेंट यू नो अगर कितने सारे बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है तो फॉर दैट वी नीड लैक्स ऑफ बटन. तो उसके लिए एंड देन यू नो अगर उसके ऊपर धागे यू नो स्टिचिंग हो रही है तो वी नीड दैट मेनी थ्रेड्स ऑल्सो. तो वो सारी चीजें हमें एक टाइम पे रेड कलर का अवेलेबल होने के लिए भी वी नीड फोरकास्टिंग. सेल बटन हो गया, अलग अलग चीजें हो गई जो बनाने में काफी टाइम लगता है. बटन है, मान लीजिए हैंडलूम का फैब्रिक हो गया तो उसको बनाने में 6 to 2 months तो लिनन फैब्रिक है तो लिनन के प्रोडक्शन के लिए भी यू नो वी नीड टाइम, या फिर लिनन फैब्रिक का हमको रिसोर्स को अवेलेबल कराने के लिए भी वी नीड टाइम. तो ये सब अगर आप देखोगे ना सर तो हम देखेंगे कि हमको पूरा 1 साल का टाइम लग जाता है पूरा एक यू नो डिजाइन को या एक स्टाइल को डेवलप करने में. एंड देन वी नीड 6 months ऑफ टाइम फॉर यू नो ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, क्योंकि हमको जब बन गया है वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बना है तो अब क्या करना है उसको डिफरेंट स्टोर्स में अवेलेबल कराना है ताकि जब उसका डिमांड हो तो फिर वो उस स्टोर में ऑलरेडी अवेलेबल होनी चाहिए. है ना, कि अगर सपोज मुझे आज अगर रेड कलर का शर्ट चाहिए, मैं आज जाऊं अगर ज़ारा में तो मुझे वो रेड कलर का शर्ट मिलना चाहिए ज़ारा में. अगर मुझे आज नहीं मिलेगा तो मैं क्या होगा, मैं यू नो नेक्स्ट टाइम मैं दूसरी जगह जाऊंगी, मुझे दूसरी जगह मिल जाएगा तो मैं वहां से फिर खरीदना शुरू कर दूंगी. तो इन सब चीजों के लिए पता है सर बहुत पहले से हमको प्लानिंग करनी पड़ती है. जो हमको आज दिख रहा है उसके ऊपर वर्किंग 2 साल पहले से शुरू हो चुकी है तो वो आज हमें अवेलेबल है. यस राइट. आई थिंक वन मोर थिंग सर आई वुड लाइक टू ऐड, सर वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, जैसे कि सर आपने बोला कि लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग एंड देन यू नो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, तो जो व्यूअर्स होते हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको ना जनरली पता नहीं होता है कि क्या व्हाई वी नीड लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, व्हाई वी नीड शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग.
शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग तब होता है ना, जैसे कि अगर सपोज मुझे मेरा एक बुटीक है, मुझे मैं कुर्ती बनाती हूँ और मुझे अपना नेक्स्ट सीजन के लिए डिजाइन करना है, तो नेक्स्ट सीजन में कौन सा कलर आने वाला है, कौन सा स्टाइल आने वाला है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। अगर सपोज अगर मैं कुर्ती डिजाइन करती हूँ और मैंने अब सोचा कि मुझे एक नया अपना लाइन शुरू करना है, मुझे एक नया कुछ शुरू करना है अपने बिजनेस में, कुछ एड ऑन करना है, तो अब वो क्या नया मुझे शुरू करना है उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग चाहिए, क्योंकि कुछ मैं नया जो शुरू करूंगी उसके ऊपर मैं वर्किंग अभी शुरू करूंगी तो वो उसको यू नो डेवलप होते होते 2 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे, तो उसके लिए हम लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग करते हैं सो दैट हमारा वो बिजनेस फेल ना हो। और मुझे लगता है फोरकास्टिंग इज मेनली जितने भी इंडस्ट्रीज है, लाइक WGSN हो गया, प्रोमो स्टील हो गया, और मड पाई, और सो मेनी स्टाइल साइट इज देयर, तो इन सारे इंडस्ट्रीज जो है वो बड़े बड़े ब्रांड के लिए करते हैं, क्योंकि वो बहुत सस्ता नहीं है, ये काफी कॉस्टली है, तो मुझे लगता है हम लोग को बहुत सारे लोगों को खुद पे डिपेंड होके भी फोरकास्ट कर सकते हैं हम लोग। आई थिंक फैशन इज सेल्फ एक्सप्रेशन, बहुत सारे लोग का सेल्फ रहने का तरीका भी अलग होता है, कुछ लोग अपने तरीके से रहना चाहते हैं, कुछ लोग मान लीजिए कि व्हाइट शर्ट पहन रहे हैं तो उनको व्हाइट शर्ट ही पहनना है और वो उनका फैशन स्टाइल और स्टेटमेंट बन जाता है, तो वी वांट चेंज, एवरीवेयर पीपल्स वांट चेंज, सो नाउ न्यू बोल्ड एंड ब्रेव टू मेक अ डिजाइन इज बेटर, कि आप अपना भी थोड़ा दिमाग लगाओ, नॉट 100%, क्योंकि मुझे इंडिया का फैशन इज डिफरेंट, लोग शादी वादी के लिए बनाते हैं गारमेंट्स और लोग एक साल पहले से ही खरीदना शुरू कर देते हैं बेटी की शादी के लिए, तो उनका अलग सोचना है, वो लोग फैशन फोरकास्ट के बारे में नहीं जानते हैं, बट दे फॉलो सर्टेन थिंग, कि वो एक साल पहले ही सारा कुछ खरीद रहे हैं और सारे परिवार के लिए खरीद रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ अपना भी हम लोग दिमाग लगाएं, और पार्टी वगैरह में लेडीज जाती हैं तो वहां भी बहुत सारी चीजें देखती हैं, एक दूसरे को देख के भी हम लोग सीखते हैं कि हमें ऐसा उस पे अच्छा लग रहा है तो मुझ पे भी अच्छा होगा, और एवरीवन वांट्स टू लुक गुड, तो उसमें क्या है कि हमें हम अगर उस चीजों को भी ध्यान लें, फैशन और इंस्पिरेशन और जो इनोवेशन होता है वो कहीं से भी निकल के आ सकता है, तो वो हम लोग जैसे इंडियन मार्केट, मैं तो बहुत कम ही फोरकास्ट देखा हूँ जो इंडियन इंडस्ट्री के लिए फिट बैठती है 100%, तो हमें उस चीजों को यूज करना है, वो कुछ ऐसा कर पाए, बट राइट नाउ वी डोंट हैव, सैडली वी डोंट हैव एनी साइट फॉर इंडियन मार्केट, स्टार्टअप देयर ऑफिस इन दिल्ली एंड मुंबई, तो वो लोग भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नॉट मच, अभी कुछ नहीं है ऐसा, इन फ्यूचर आ जाए तो गुड फॉर अस, तो हमें लगता है कि हमें अपना दिमाग लगा के भी काफी कुछ हम लोग इस फील्ड को योगदान दे सकते हैं, और हम लोग खुद भी काफी अच्छी बोली, मैं उसमें थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगी, जैसे कि जो आपने बोला ना सर कि हम लोग का फोरकास्टिंग जो होता है उसके साथ आप अपना इंडिविजुअल लगाओ, तो मुझे काफी बार ऐसे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम यही सेम फोरकास्टिंग जैसे WGSN है वो तो सारे वही उसको फॉलो कर रहे हैं, तो एट द एंड एवरीवन वुड एंड अप मेकिंग द सेम स्टफ यू नो, लेकिन क्या होता है ना कि आपको फोरकास्टिंग देख करके दैट इज जस्ट एन आइडिया यू नो कि ओवरऑल आइडिया आपका इस तरीके का है, आपको एग्जैक्टली उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको उसमें अपना दिमाग लगाना है, आप किस जगह पे रह रहे हो, यू नो आपका यू नो आपके टारगेट कस्टमर्स कौन है और आपके टारगेट मार्केट क्या है, आपका आपके जगह का क्लाइमेटिकल कंडीशन क्या है, यू नो अकॉर्डिंगली आप फोरकास्ट को इम्प्लीमेंट करते हो अपने डिजाइन में, तो इट्स नॉट लाइक अ वेरी ब्लाइंड थिंग कि आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो। नाउ अगेन आई वुड लाइक टू एड ऑन वन मोर थिंग टू दैट, जैसे कि आपने बोला सर कि यू नो जो औरतें होती हैं वो जाती हैं पार्टीज वगैरह में, वो देखती हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, देन दे कम बैक, अपने इंडिया में तो ये काफी होता है सर, क्योंकि यू नो हमारा इतना अच्छा फैशन सेंस नहीं होता, या फिर मैं बोलूंगी कि हमारे यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटीज इतनी ज्यादा है कि एक फोरकास्ट पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए पॉसिबल भी नहीं है कि वो जाएगा, दिस इज द रीजन वाई हमारा अभी तक फोरकास्ट नहीं बन पाया इंडिया के लिए, तो हाँ तो मैं उसमें एक चीज एड ऑन करना चाहूंगी सर कि फोरकास्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यू नो कि किसी ने मतलब जो कि कोई नहीं कर सकता है, हम हर रोज फोरकास्टिंग करते हैं, पता है आपको, जैसे कि अगर मुझे अगर आज मैं शॉप जाऊंगी मुझे कौन सी कुर्ती लेनी है तो मैं ऑब्वियसली 10 चीजों के ऊपर ध्यान दूंगी,
कि मेरे पास कौन सा डेनिम किस कलर का है मेरे पास, या मेरे पास लोअर किस कलर का है, मेरे पास सैंडल्स किस कलर के हैं, यू नो मेरे पास बैग किस कलर का है, तो अकॉर्डिंगली आई विल बाय अ कुर्ती. यू नो मेरे पास कितने पैसे हैं अभी, क्या मैं इतना स्पेंड कर सकती हूँ या मैं नहीं स्पेंड कर सकती हूँ. तो हम लोग ना सर डे टू डे लाइफ में हर रोज फोरकास्ट करते हैं, बट हाँ ये चीज है कि हमारा जो अभी आय है वो उतना डेवलप नहीं हो पाया है एज कम्पेयर टू जो बहुत ही वर्ल्ड वाइड जो फोरकास्टिंग कर रहे हैं उनके. हम लोग मैक्सिमम फोरकास्टिंग क्या होता है, हम लोग अपने लिए करते हैं या अपनी फैमिली के लिए करते हैं, लेकिन वो मतलब प्रोफेशनल लेवल से अभी तक ऊपर नहीं आ पाया है. तो ये फील्ड बहुत बहुत सारी चीजें बाकी है जो इस फील्ड में हम लोग योगदान कर सकते हैं और इंडिया के लिए काफी कुछ बना सकते हैं. आपने ये जो बोला कि डाइवर्सिफिकेशन इज मोर, वो तो है, लेकिन उसके बावजूद भी किया जा सकता है. तो मुझे लगता है डिजाइनर्स के लिए बहुत अच्छा स्कोप है और उन्हें इसमें कुछ करना चाहिए प्रोफेशनली, ताकि इंडिया का भी कोई एजेंसी बन सके और हम लोग आगे उसमें काफी सारा योगदान दे सकते हैं. और सिर्फ अपना असाइनमेंट करने से और फिर अपना काम करने से और अपने लिए फोरकास्ट करने से लोगों के लिए भी हमें सोचना चाहिए और उनके लिए कुछ करना चाहिए. इस बेसिस पे अब एक लास्ट थोड़ा सा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग WGSN यूज करते हैं, वर्ल्ड ग्लोबल स्टाइल नेटवर्क, प्रोमोस्टेल यूज करते हैं, ये सारे काफी कॉस्टली हैं. तो आप हमारे स्टूडेंट को कुछ ऐसे साइट बताएं जो जो साइट फ्री में अवेलेबल हो. So it's a very nice thing which you have asked right now. Obviously, jo WGSN hai ya phir Promosteel hai, you know, we have to spend lakhs for its subscription. Monthly subscription unka bahut expensive hota hai. And everybody could not afford it. Jaise hamare students hai jinko ki abhi, you know, naya business start karna hai. Ya phir jo chote-chote boutiques wale hote hain, wo log itna spend nahi kar sakte hain abhi. So for them, there are certain sites on Google jo ki free mein available hain, jisko ki wo log go through kar sakte hain. And then, you know, they can come up with their own forecast. तो आई वुड लाइक टू नेम सम ऑफ देम. एक तो हमारा हो गया trendstop.com, यू नो, देन वी हैव weconnectfashion.com, ये हमारे कुछ हो गए. देन वी कैन fashionsnoops.com, देन वी हैव, यू नो, patternobserver.com, देन वी हैव textiletribe.com. तो दीज आर फ्यू ऑफ देम, यू नो, इफ दे वुड गो एंड सर्च ऑन गूगल दे वुड गेट मोर ऑन दैट. बट ठीक है, मैंने आपको कुछ चार पांच बता दिए हैं, यू नो, दिस विल बी सफिशिएंट फॉर यू. एंड अलोंग विद दैट दे कैन इन्वेस्ट, काफी वो न्यूज में ऐप या पी इंटरेस्ट काफी हेल्पफुल है और इजीली एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर. उस पे WGSN करके भी टाइप करो तो WGSN की बहुत सारी पिक्चर इमेजेस आ जाती है, तो वो काफी हेल्पफुल है और इजी टू सर्च है, तो उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं. अदरवाइज सोशल मीडिया पे भी आजकल इतने सारे लोग अपडेट करते हैं नए नए कपड़े पहन के, तो वहां से भी तो चाहे तो हम लोग जो जितने भी सेलिब्रिटीज हैं और जो भी लोग हैं उनके बारे में सर्च करें, उनके पेज देखें, तो काफी कुछ उसमें से स्टाइल निकल सकता है और इंस्पिरेशन मिल सकता है हम लोग. यस सर, तो इसी के साथ ये अच्छा डिस्कशन रहा और चाहूंगा कि आप फिर से आए और फिर से इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करें, क्योंकि फैशन फोरकास्टिंग कोई इसका एंड नहीं है और ये हमेशा रहेगा और हम लोग चाहेंगे कि इसको कैसे आगे बढ़ाएं. तो इसी के साथ हम लोग खत्म करना चाहते हैं. मैडम, हमारा वेबसाइट भी है, यूट्यूब चैनल आप देखते ही हैं, और आप लोगों को कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में तो कुछ बताइए. यस सर, आई वुड लाइक टू ऐड इन इट कि काइंडली आप लोगों के अगर कुछ भी, अगर आप चाहते हैं कुछ, आपका टॉपिक्स है जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं, तो प्लीज आप कमेंट करिए. हम इस वीडियो को ऑब्वियसली यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे, आप नीचे कमेंट करिए. कोई टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हैं या फिर आपको कोई डाउट है फोरकास्टिंग के रिलेटेड, तो प्लीज आप अपने कमेंट्स डालिए. वी विल यू नो गो थ्रू दैट एंड देन वी विल मेक आवर वीडियोज अकॉर्डिंगली. एंड वी आर सो सॉरी फॉर दिस थिंग, ये हम तीसरी बार वीडियो बना रहे हैं, समहाउ हमारा दो बार वीडियो नहीं सेव हो पाया. So it's only for you guys. Avinash sir काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी, you know, इस चीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं. I can see that. So obviously I would request कि आपके जो भी doubts हैं आप please डालिए. We will work on that. Thank you so much. Okay, thank you so much. In the next live session, I will back again with some vital information. Till the time, stay safe, stay connected, and keep smiling. Thank you, Nayantara.